हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर जो है हम काफ़ी इंटरेस्टिंग जो है टॉय गन का अनबॉक्सिंग और रिव्यू करने वाले हैं। तो यहाँ पे अभी जो है काफ़ी डिमांड बढ़ गई है ऐसे टॉयज़ की जिसका यूज़ करके जो है बच्चे खुद से खेल सके, क्योंकि ज़्यादातर बोर्ड गेम्स जो होती है उसमें मिनिमम टू प्लेयर्स तो चाहिए चाहिए, जैसे कि ऊनो हो गया या तो फिर चेस हो गया, कैरम हो गया या तो फिर चौपाट, लूडो, सांप सीढ़ी, बिजनेस गेम, सभी के अंदर जो है आपको जो है मतलब मिनिमम टू प्लेयर चाहिए। जबकि आप जो है इस तरीके की गन जो है उसका यूज़ करके एक तो आपका निशाना जो है उसको भी सही कर सकते हैं और आप घर बैठे बैठे काफ़ी मज़े ले सकते हैं और मे बी आप छत पे जाके भी खेल सकते हैं और मतलब आपके घर में आगे पीछे स्पेस है तो उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अगर आपकी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसी कॉमन प्लेस है वहाँ पे जाके भी जो है आप निशाने की प्रैक्टिस कर सकते हैं और इसमें कोई ज़्यादा हार्मफुल चीज़ें तो है नहीं। प्लास्टिक की जो है इसके अंदर गोलियाँ ही आती है, सिंपल सा ही है बट बहुत ही मज़ा आएगा। तो इसके अंदर आपको अगर आपका निशाना सही करना है तो आपके घर पे कोई थर्मोकोल जो है या तो फिर वेस्ट कार्डबोर्ड अगर पड़ा है तो उसके ऊपर आप सर्कल्स ड्रॉ कर लीजिए जैसे कि आपने मूवीज़ में देखा होगा, और उसके अंदर फिर आप निशाना लगाने की प्रैक्टिस आराम से कर सकते हैं। तो चलिए, ये तो वैसे ट्रांसपेरेंट ही है जो मैं आपको इसको खोल के जो है दिखा देता हूँ। बहुत ही मस्त गन है और ये सेम प्रोडक्ट जो है मल्टीपल मतलब डिफरेंट पैकेजिंग के अंदर आता है और उसके हिसाब से इसकी प्राइस भी जो है कम ज़्यादा होती रहती है। तो यहाँ पे बेसिकली इसके अंदर क्या है कि गोलियाँ जो है यहाँ पे डालनी है, इसके अंदर आपको जो है गोलियाँ डाल देनी है इस तरीके से। यहाँ पे ये वाली जो है मोती वाली गोलियाँ हैं और उसके बाद जो है इसको कर देना है बंद और पीछे से खोल मतलब इस तरीके से खींचना है और फिर यहाँ पे प्रेस करने से गोली आपकी फायर हो जाएगी। और निशाना जो है अगर एक्यूरेट लगाना है तो यहाँ पे आपको लेज़र भी मिल जाता है। तो यहाँ पे ये वाला है सेल के बीच में ये था, उसको हम निकाल देते हैं और लेज़र लाइट को चालू कर देते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से जो है लेज़र लाइट यहाँ पे आपको दिख रही है, तो इससे आप निशाना भी लगा सकते हैं। और यहाँ पे ये थोड़ा सा ये जो है मतलब गोली जहाँ से निकलती है उससे ये नीचे है तो आपका जो भी निशाना है ये जैसे कि यहाँ पे पॉइंट है ये भी आपको दिख रहा है, जैसे कि यहाँ पे जो है हम निशाना लगा मतलब यहाँ पे इसको निशाना नहीं लगाना है, थोड़ा सा यहाँ पे ऊपर इतने गेप पे जो है आपको निशाना लगाना है और अगर हवा चल रही है तो आप थोड़ा बहुत आगे पीछे भी जो है आपका निशाना सेट कर सकते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग है, आप लेज़र लाइट से जो है प्रैक्टिस करेंगे फिर जो है लेज़र लाइट बंद करके प्रैक्टिस करें तो आपका जो है निशाना धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि भाई एक्चुअल में निशाना अगर लगाना है तो किस तरीके से जो है आपको फोकस करना पड़ेगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉय है, काफ़ी ड्यूरेबल है और अलग अलग टाइप के पैकेजेस में ये आता है और उसके हिसाब से प्राइस भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा कम जो है हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे एक ये वाली गन है तो इसका भी पैकेजिंग है इस तरीके से तो थोड़ा सा प्राइस इसका बढ़ जाता है। अगर इस ये वाली ही गन सेम गन जो है इस तरीके से लूज़ पैकिंग में आ जाएगी तो इसका प्राइस जो है घट जाएगा। अभी जो है इसका 180 रुपये है और ये वाला गन है तो वो एक थर्मोकोल पैकिंग जो आता है इस तरीके का उसमें भी ये गन आता है, उसकी प्राइस अलग रहती है। उसके अलावा जो है एक प्लास्टिक की पूरी जो है एक बक्सा आता है उसके अंदर भी यही गन आती है सेम प्रोडक्ट, तो उसका भी प्राइसिंग जो है बढ़ जाता है। तो अभी जो है इसका प्राइस 100 रुपीज़ है, लोकल मार्केट में भी आपको मिल जाएगा, ऑनलाइन मार्केट में भी मिल जाएगा। इसकी बेस्ट बाय लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आप चाहें तो इसको एक बार देख सकते हैं। और उसके अलावा अगर ये वीडियो पे जो है मेरे मतलब 500 लाइक्स और 100 कमेंट्स आते हैं तो ये प्रोडक्ट की जो है मैं होलसेल प्राइस को रिवील कर दूंगा। और उसके अलावा ये चैनल पे अगर 10,000 सब्सक्राइबर हो जाते हैं तो भी जो है जितने भी प्रोडक्ट के हमने अनबॉक्सिंग के वीडियोस बनाए हैं सभी के जो है होलसेल प्राइस को मैं रिवील कर दूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर। उसके अलावा यहाँ पे हम एक और इनिशिएटिव जो है स्टार्ट करने वाले हैं जिसके अंदर आपको पता ही होगा बहुत सारी महिलाएं हैं, हाउस वाइफ्स हैं जो कि घर से कुछ अर्निंग करना चाहती हैं और उसके अलावा 10वीं 12वीं मतलब 10वीं 12वीं के बाद या तो फिर BA BCom या तो फिर डिप्लोमा कोर्सेज करने के बाद या तो फिर डिस्टेंस लर्निंग के कोर्सेज कुछ करने के बाद या तो फिर BSc किया हो, BTech किया हो, BAMS BHMS किया हो, उसके बाद
अगर आपको जो है सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है, आपको जॉब नहीं मिल पा रही है, तो जॉब में सेटिस्फेक्शन नहीं मिल पा रहा है और आप अपना खुद का कुछ बिजनेस करना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम एक वीडियो सीरीज जो है स्टार्ट करने वाले हैं, जो कि कम्प्लीटली फ्री है। उसके थ्रू जो है आप सीख सकते हैं कि कैसे जो है स्टेशनरी बिजनेस जो है स्टार्ट किया जा सकता है, टॉय बिजनेस या तो फिर गिफ्ट आर्टिकल का बिजनेस, प्लास्टिक वेयर सेल करने का बिजनेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, CSC सेंटर कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, उसके अलावा जो है आप किस तरीके से जो है जेरोक्स प्रिंटआउट का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं, और जो है प्रोडक्ट फोटोग्राफी जो है उसका बिजनेस कर सकते हैं स्टार्ट, ये सब चीज़ें जो है हम वीडियो सीरीज के थ्रू जो है सीखेंगे। तो उसके अंदर सब चीज़ें आएंगी कि भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना हो सकता है, क्या क्या प्रोडक्ट्स जो है आपको रखनी चाहिए, प्रोडक्ट रिसर्च कैसे किया जाता है, और उसको जो है आप दुकान भाड़े पे लेके कैसे सेल कर सकते हैं, और घर से कैसे सेल कर सकते हैं, ऑनलाइन मार्केट में कैसे सेल किया जाता है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट स्नैपडील जैसे प्लेटफॉर्म के ज़रिए, या तो फिर फेसबुक इंस्टाग्राम या तो ट्रेल के ज़रिए किस तरीके से सेल किया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें जो है हम बारी बारी करके सीखेंगे, और किसी को जो है वन टू वन गाइडेंस चाहिए तो उसको भी हम गाइड करेंगे, और उसके अंदर जो है उसको जो थोड़ा मतलब टेलीफोनिक जो है हम सपोर्ट देंगे, और अप्रोक्सीमेटली 4,000 के आसपास हम उसकी फ़ीस रखेंगे जो कि पेड होगा, इसीलिए क्योंकि इसमें टाइम भी हमारा पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, एंजॉय योर लाइफ।